एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन शिवांगीज इनसाइड। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज मैं हूँ ताज की नगरी आगरा में। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं द सेवन वर्ड्स ऑफ वंडर, ताजमहल को। इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल करीब से ताजमहल, एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस सिटी एज वेल। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइंग ऑल ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेयर यू कैन स्टे। सो ताजमहल के पास होटल्स काफ़ी गंदे हैं, एंड 1200-1500 में खाली ओके टाइप सी रूम आपको मिलेंगे। सो मुझे होटल ताज से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर काफ़ी डिसेंट सा रूम मिल गया, जिसके लिए आई पे 1200 रुपीज़ पर डे। आज सैटरडे का दिन है, सो वीकेंड ऑफ की वजह से आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ताजमहल एट द मॉर्निंग। सो मैं सुबह ही होटल से निकल गई, बट आगे एक्सप्लोर करने से पहले आई हैड अ ब्रेकफास्ट नियर द ताजमहल मार्केट। आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट इट्स टाइम टू सी अ ताजमहल, बट उसके लिए वी नीड अ टिकट। सो आई एम गोइंग टू बाय अ टिकट। वैसे तो यू कैन परचेज योर टिकट ऑनलाइन, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऑफलाइन ही टिकट लेनी पड़ी, जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ थी। और बाकी आपको ताजमहल अगर पास से देखना है तो आपको उसके लिए 200 रुपीज़ अलग से देना होगा, जिसको अपग्रेड कराने के लिए ताजमहल के पास ही विंडो है, वहाँ से ही आप टिकट मैनुअली अपग्रेड करा सकते हैं। तो अब आप मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हो एंट्री गेट, एंड ताजमहल में एंट्री के दो गेट हैं, वेस्ट एंड ईस्ट गेट, बट यहाँ से डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टू टेक अ लेफ्ट, और उसके बाद आएगा चेक पोस्ट जहाँ पर सारी चेकिंग होगी, उसके बाद वी कैन एंटर। एंट्री गेट पर चेकिंग के बाद एक पिक्चर गैलरी आती है, जहाँ से होते हुए मेन गेट पर पहुँचते हैं। लेकिन इस पिक्चर गैलरी में बहुत सारी ताजमहल की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो डिफरेंट ईयर्स और टाइम की हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम उस गेट की तरफ जा रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही दिखाया था से। तो चलो अंदर चलते हैं इस रॉयल गेट से और देखते हैं ताजमहल को। दिस पॉइंट मुझे यहाँ तक लग रहा था कि आई हैव टू शेयर अ नॉलेज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल एंड द फीचर ऑफ दिस ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, बट एट सम सर्टन पॉइंट मुझे लगने लगा देयर इज़ अ जिलियंस ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब वेयर यू कैन गेट अ सेम नॉलेज अबाउट द मॉन्यूमेंट। सो वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, जहाँ मैं क्वान्टिटी बढ़ाने के लिए सेम वीडियो बना दूँ सेम नॉलेज के साथ, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही ना शेयर कर पाऊँ कि व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई सॉ द ताजमहल। सो इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाली हूँ कि मैंने ताजमहल को देखकर क्या फील किया। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि व्हाई वी फॉलोइंग अदर्स ब्लाइंडली, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ताजमहल नायाब है, तो क्या सच में ताजमहल नायाब है? वेल, अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। कैसे? क्योंकि इट इज़ जस्ट अ ग्रेवयार्ड जहाँ लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, और अगर मरने के बाद दफनाना ही था तो इतने ग्रैंड ग्रेवयार्ड की क्या ज़रूरत थी? जबकि अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस व्हेन शाहजहां वाज रूलिंग द नेशन देन हाफ ऑफ द कंट्री वाज फेसिंग द डेक्कन फैमिन, जिसे इतिहास में दक्कन अकाल 1630 से 32 के नाम से भी जाना जाता है। ये फैमिन मुख्य फसल की विफलता का परिणाम था, जिसके कारण चारों तरफ इंटेंस हंगर एंड प्लेग फैल गया, एंड इट वॉज द मोस्ट सीवियर फैमिन टू अकर इन मुगल एम्पायर। इसके बाद भी शाहजहाँ के काल को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड दिस ब्यूटिफुल ग्रेवयार्ड फॉर हिज बेगम, जिसे कम्प्लीट करने के लिए ही इम्पोज द एक्स्ट्रा टैक्स टू द पीपल, एंड ही कम्प्लीटेड द रिमेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल।
इज दैट मेकिंग सेंस टू एनीवन कि अगर आप शाही फैमिली से हो तो आपकी ग्रेवयार्ड भी इतनी शाही होनी चाहिए कि पर इसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, जबकि जिस देश में आप रूल कर रहे हो वहाँ की आम जनता इंटेंस हंगर एंड प्लेग से मर रही है। ये भी एक रीज़न है कि मुग़ल मेरे लिए इन्वेडर्स ही हैं। सच बोलूँ तो हमारी टेक्स्ट बुक में मुग़ल एम्पायर को कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाइड किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मराठा, मौर्य, चोला या और भी कोई डायनेस्टी जो रही है उसमें से किसी राजा ने भी ऐसा किया होता, क्योंकि इन लोगों ने तो कई बार फॉरेन इन्वेडर्स से अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपना एम्पायर और लग्जरी को काफ़ी बार सेक्रीफाइस किया है। बट हमारी टेक्स्ट बुक में मुग़ल एम्पायर को इतना ग्लोरीफाइड किया गया है कि अगर हमारे पास मुग़ल आर्किटेक्चर नहीं होता तो शायद हमारे पास हिस्ट्री में कुछ दिखाने के लिए ही नहीं होता। बट ऐसा नहीं है। आगे की वीडियोस में आपको मैं अपने ही चैनल पर बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करके दिखाऊंगी कि जहां पर आपको देख के लगेगा कि जितना हम मुग़ल आर्किटेक्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही उन सारे मॉन्यूमेंट्स को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। सो दैट एक्सेस दैट पार्ट, सो आपको ऐसे शू कवर्स को पहनना होगा और 250 का टिकट आपको लेना पड़ेगा जिससे आप वो वाला पार्ट भी एक्सेस कर सकते हो। सो मैं वहाँ पर अभी जा रही हूँ, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है वो जगह, वहाँ से कैसा दिखता है हमारा प्यारा ताजमहल। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द ताजमहल, और अगर आपको इसके आगे जाना है तो यू हैव टू कवर योर फीट विद दिस रैप्स एंड, और आपको लगेगा टिकट, उसके लिए एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ेगा जो टिकट यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो मैं वहीं से अपना टिकट अपग्रेड कराने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आगे का पार्ट भी एक्सेस करूँगी और वीडियो में आपको भी दिखाऊँगी। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आप अपना टिकट अपग्रेड करा सकते हो 200 रुपीज़ का, और उसके बाद आप ताजमहल को पास से देख सकते हो और वो ताजमहल के आजू बाजू का पार्ट भी एक्सेस कर सकते हो। अभी तक जो बात हम वीडियो में कर रहे थे उसी बात पर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को समझाना चाहूँगी। जस्ट इमेजिन कि आप एक घर बनाते हो और सम ऑफ द रीज़न चोर बार बार उस पर अटैक करते हैं, तो आपका मेंटल और फाइनेंशियल स्टेट क्या होगा? नो डाउट आप अनस्टेबल हो जाओगे और हमेशा इस थॉट में डूबे रहोगे कि कहीं आप पर फिर से कोई अटैक ना हो जाए। ऐसे में व्हाट यू विल डू, आपका सारा कंसंट्रेशन सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगा रह जाएगा, लग्जरी टेस्ट करने में, ऑफ कोर्स ना कि ग्रेवयार्ड को लग्जूरियस बनाने में। भारत में भी ऐसा ही हुआ है, फॉरेन इन्वेडर्स ने यहाँ पर रहकर यहाँ के लोगों को लूट कर और यहाँ के लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर इस देश के बड़े बड़े डायनेस्टी के राजाओं को कॉन्स्पिरेसी में फंसाकर सब्जुगेट किया और इस देश पर रूल किया, एंड और तब उन्होंने इस तरह के विशाल और भव्य आर्किटेक्चर का निर्माण करवाया है। आगे मेरे चैनल पे मैं और भी ऐसे ही हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी जो कि ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है विद अमेजिंग फीचर्स, बट वी हैवेंट प्रमोटेड देम टिल नाउ। तब आप खुद ही डिसाइड कर लेना क्या सिर्फ ताजमहल ही है हमारे पास दिखाने को और प्रेस करने को, या फिर वो सारे मॉन्यूमेंट्स भी इक्वल अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करते हैं। एंड हद तो तब हो जाती है जब लोग भूल जाते हैं कि एक ग्रेवयार्ड है, हद तो तब हो जाती है जब लोग इसे सिंबल ऑफ लव कहते हैं, और कपल्स तो ये भी कहते हैं कहो तो तुम्हारे लिए भी एक ताजमहल बनवा दूँ। ओह माय गॉड, सो चीज़ी। तो मेरा यही जवाब है उन लोगों को, बनवा दो तुम भी एक ऐसा कब्रिस्तान अपने लवन के लिए, सच तो यही है ना। आई एम एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन हेयर क्योंकि अब मैं मॉन्यूमेंट को देखने आई हूँ, तो लेट्स एंजॉय द मॉन्यूमेंट एज वेल। और अगर आपको ये वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे की भी वीडियो देख लो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सो दैट जिससे भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो मे बी और भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा अगर वीडियो सही जगह तक पहुँच जाती है तो। सो बी होपफुल क्योंकि हमें अपना गौरवशाली भारतीय इतिहास जानने का पूरा अधिकार है, और मे बी इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा कनेक्टेड फील करो और
मे बी आप और भी ज़्यादा क्यूरियस फील करो टू नो अबाउट द ट्रुथ ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग करी थी मैंने ताजमहल में पहुँच कर। सो आप वीडियो आगे की देखो, बट ये कॉन्वर्सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये ताजमहल के अंदर का पार्ट है जहाँ पर कैमरा एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट पता नहीं मैंने छुप के कर ली थी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही सीक्रेट वीडियो ताजमहल के अंदर की। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फ्राइडे को आ रहे हो तो ताजमहल बंद रहता है। सो आप आगरा में और भी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हो, बट ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। एंड आज वीकेंड होता है तो सैटरडे संडे भी काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड इस समय अभी दिसंबर एंड नवंबर का टाइम है, सो आप इस टाइम पर भी ताजमहल दिन में तो विज़िट कर सकते हो, लेकिन एंड 12 बजे तक यहाँ पर काफ़ी सारी धूप हो जाती है जिससे कि ये जगह बहुत गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर घूम पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सर्दियों में आ रहे हो मेरी तरह तो आप घूम सकते हो, लेकिन आफ्टर दिसंबर और जनवरी में ही यहाँ पर दिन में घूमने वाला वेदर होता है। आज सैटरडे है और सैटरडे संडे वीक ऑफ होने की वजह से काफ़ी सारे लोग आते हैं दूर दूर से ताजमहल को देख। सिमेट्री के लिए ताजमहल के दोनों साइड सेम तरह की इमारतों को बनवाया गया है, जिसमें से एक जवाब और एक मस्जिद कही जाती है। तो प्लेसेस मुझे जाकर लगता है कि अपने इतिहास को जानना बहुत ही अच्छा लगता है, और आप उस टाइम को बिल्कुल रिवाइव कर पाते हो कि कैसा होता होगा वो टाइम कि जब यहाँ पर एम्पायर्स और एम्परर्स का रूल था। आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो ताजमहल का एंट्री गेट, जिसे मेन एंट्री गेट कहा जाता है और इसे दरवाजे रोज़ा भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब महाद्वार होता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
अपने साइट्स पर विज़िट करती हूँ, मैं अपने इतिहास को रिवाइव कर पाती हूँ कि कितना भव्य, कितनी ग्लोरी रही होगी उस एरा में। ताजमहल के मुख्य परिसर के सामने ही बहुत सारे गार्डन और बाग बगीचे बनाए गए हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैंने ताजमहल को आपको हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। मैं वीडियो बनाकर बाहर ही निकल रही थी कि मुझे कुछ फॉरेनर्स दिखे इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करते हुए, एंड आई फील रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। इस समय आप देख ही सकते हो दिन के 12 बज चुके हैं और ये जगह टूरिस्ट से फुल हो चुकी है क्योंकि आज सैटरडे है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया, और सैटरडे संडे को काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर द ग्लोब ताजमहल को देखने आते हैं। तो आप देख सकते हैं, और मैं ताजमहल के दर्शन करने के बाद गेट के बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ, गेट के पास पहुँच चुकी हूँ। सो आप देख ही सकते हैं लोगों की भीड़ को कि लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ताजमहल के दर्शन करने के लिए। Started from Taj Mahal and I am ending this video from the on the Taj Mahal in the back side. So that's it for today's video. और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइंग ऑल ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं हम नई वीडियो में किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए। सो प्लीज़ कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, एंड ही आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।